नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में निकली वेरियस पोस्ट 2019 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जो वेरियस पोस्ट सीबीएसई द्वारा निकाली गई हैं, इनका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ आपको पीडीएफ मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे कि इसमें अब की बार नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, और किन बुक्स से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए जिससे आप इस एग्ज़ाम को 100% क्रैक कर सकें। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, विद प्रूफ मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटे का आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको सीबीएसई के एग्जाम की पल पल के अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर वन का कि इसका जो एग्जाम है वो कब होगा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई का एग्जाम है, आपको पता है कि इसमें जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट थी उसमें दोस्तों आपकी जो फीस थी वो कितनी थी, 800 रुपये थी, और अदर पोस्ट के लिए 1500 रुपये थी। तो दोस्तों फीस से ही आप अनुमान लगा सकते हैं इसका जो एग्जाम प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा क्विक होने वाला है। दोस्तों 800 रुपये फीस आपने पे की थी, यानी आपने अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था, तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो एग्जाम है प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा फास्ट होगा। आपका जो एग्जाम की आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली शुरू हो जाएगा 100%। जी हाँ दोस्तों, 100% आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फेब में डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है, फरवरी में 100% आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपसे फीस के तौर पर काफ़ी अच्छी खासी रकम वसूली गई थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, फेब में आपका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। तो एक सवाल आपका दूर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है। तो यहां पर दोस्तों सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो मेरे हिसाब से हो सकती है, और दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उनमें और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग आप मान के चलिएगा कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस बताने से पहले मैं आपको इसका एक बार एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है का सिलेक्शन है वो मेरिट के बेसिस पर होगा। स्टेज 1 जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें दोस्तों आपके कुल जो है 5 सेक्शन होंगे। पहला जनरल अवेयरनेस का, दूसरा दोस्तों आपका रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी का, तीसरा आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश का, चौथा सेक्शन आपका कंप्यूटर नॉलेज का होगा, पांचवा सेक्शन आपका अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेज 2 के लिए, जो कि आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी स्टेज 2 की वो 10 मिनट्स होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं जो सभी कंपिटेटिव एग्जाम में होती है जनरल अवेयरनेस, सेम टू सेम इस एग्जाम में भी रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी भी आपकी जनरल रहने वाली है, यानी जनरल रीजनिंग और जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी रहने वाली है। कुल मिलाकर दोनों से 25 सवाल आएंगे। उसके बाद जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार आपका NVS का एग्जाम था उसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश आई थी, सेम टू सेम वही टॉपिक आपके रहने वाले हैं। जनरल हिंदी यानी आपकी जो बेसिक हिंदी होती है, जैसे संधि हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो। इंग्लिश में भी दोस्तों आपकी बेसिकली ग्रामर रहने वाली है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जैसे कि आपको शॉर्टकट कीज का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कंप्यूटर के पार्ट्स का, किसका क्या वर्क होता है, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, यानी स्कूल एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी CBSE के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको नॉलेज
होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न है, यही आपका सिलेबस है। कोई एक एक टॉपिक नहीं बताया गया दोस्तों, जनरल टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। अगर आप ये सोचें कि मेरे पास तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं से मैं तैयारी कर लूँगा, तो नोटिफिकेशन में भी दोस्तों एक एक टॉपिक नहीं दिया हुआ है। बाकी जो जनरल टॉपिक्स होते हैं जैसे रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, उसके बाद दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के, कंप्यूटर के, वही टॉपिक आपके रहने वाले हैं। दोस्तों ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा, बेसिक जनरल आपका रहेगा जैसे कि और कम्पिटेटिव एग्जाम में रहता है। बस यहाँ पर जो अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इसमें ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो सिलेबस है आपका वो बिल्कुल जनरल रहेगा। अगर आप एक एक टॉपिक जानेंगे तो आपका जो आप कह सकते हैं कि जो आपका एसएससी सीएचएसएल होता है वही टॉपिक आपके जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथमेटिक्स और इंग्लिश में रहने वाले हैं। हिंदी दोस्तों आपकी बेसिक काफ़ी ईजी आने वाली है, पर्यायवाची विलोम हो गए, तत्सम तद्भव संधि विच्छेद हो गया, अलंकार हो गए, यही आपके रहने वाले हैं। कंप्यूटर भी आपका बेसिक रहेगा। अवेयरनेस अबाउट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर मैं आपके लिए वीडियोज लेकर आऊँगा काफ़ी जल्द। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है, आपको सिलेबस पता चल गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी बेस्ट बुक की, तो दोस्तों बेस्ट बुक मैं आपको बता दूं कि आपके जो टॉपिक्स हैं इनके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए अलग अलग बेस्ट बुक जो है चुनी है। आप एक बुक भी ले सकते हैं जो कि प्योरली इस एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी दोस्तों अगर आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आप ऐसी बुक से पढ़िए जिसे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें। तो ध्यान रखिए दोस्तों ऐसी बुक से पढ़िएगा जिसे आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें, तभी वो बुक आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आप सभी की अलग अलग बुक्स ले लेते हैं और आप उसने आपने वो पूरी सारी बुक्स एक बार पढ़ दी हैं और दोस्तों आप उन्हें बार बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा सिलेबस हो गया है, तो ऐसी बुक मत लीजिएगा। 2 महीने का टाइम है, इस टाइम को ऐसे एडजस्ट कीजिएगा कि आपने जो बुक ली है, आपने जो मटेरियल तैयार किया है, उसे आप कई बार रिवाइज कर पाए। तो दोस्तों इसकी जो बेस्ट बुक होगी, कोशिश करूंगा कि एक कंबाइन जो बुक है वो जो कि मेरे पास है उसका लिंक ढूंढने की, तो वही बुक आप जो है ले सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। सिलेबस आपका बिल्कुल जर्नल रहने वाला है, पहले जो जर्नल टॉपिक्स हैं वो लीजिए। इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इसकी तैयारी भी हम हमारे चैनल पर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।